नमस्कार दोस्तों, भले ही आपका कंप्यूटर कितने ही लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी आपको एहसास होता होगा कि वो कंप्यूटर आपका बहुत स्लो चल रहा है, जैसे लेज़ी हो गया है और काम नहीं करना चाहता। देखिए, कंप्यूटर स्लो होने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने लेज़ी कंप्यूटर को बूस्ट अप कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो। तो चलिए, आपके स्लो कंप्यूटर को बूस्ट करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमने हमारे टिप्स ट्रिक्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है सॉफ्टवेयर लेवल, दूसरा है हार्डवेयर लेवल। सॉफ्टवेयर लेवल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ एप्लीकेशन टूल्स के ज़रिए अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। वहीं हार्डवेयर लेवल पे आप अपने कंप्यूटर के रिसोर्स में कुछ हार्डवेयर एड ऑन्स करके अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे टिप नंबर 1 से। आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखिए। देखिए, ऐसे अपडेट्स के ज़रिए मैन्युफैक्चरर या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपनी है, वो समय समय पे उनके एरर्स और बग्स को दूर करते रहते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशंस में वो ट्यून अप करके आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। चलिए जानते हैं हमारे टिप नंबर 2 के बारे में। ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस जो कभी कभार यूज़ करते हैं या फिर आप यूज़ करते ही नहीं, उन अनचाहे सॉफ्टवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर रिसोर्स को यूटिलाइज करते रहते हैं बैकग्राउंड में। ऐसे एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देने से, जो आपको रिक्वायर्ड है ही नहीं, आप उन रिसोर्स को फ्री कर दे रहे हैं जहाँ पे आपको उन रिसोर्स की ज़रूरत है आपके करंट एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि मिलता जुलता है हमारे टिप नंबर 2 के साथ। देखिए, टिप नंबर 2 में हमने अनवांटेड एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल किए थे, बट यहाँ पे हमको अनवांटेड सर्विसेज को, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड हैं, उनको स्टॉप करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प सर्विस, हम लोग कभी उसको यूटिलाइज करते ही नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके कंप्यूटर रिसोर्स को यूटिलाइज करते रहते हैं बैकग्राउंड में। आप ऐसे सर्विसेज को देख परख के स्टॉप कर सकते हैं या फिर मैनुअल मोड में आप डाल सकते हैं, जिसके बाद आपको जो यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर का, वो फ्री हो जाता है और आपके जो करेंट रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है, ताकि आपका एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली चलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 4 के तरफ। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होकर नॉर्मल मोड में आने के लिए, आपके वर्किंग मोड में आने के लिए बहुत टाइम ले लेता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन अक्सर हमको सारे एप्लीकेशंस या कई सारे एप्लीकेशंस स्टार्टअप में नहीं चाहिए होते हैं, हमारी ज़रूरत होती ही नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशंस को आप स्टार्टअप से डिसेबल कर सकते हैं, ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट टाइम कम हो सके और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इनिशियल परफॉर्मेंस बढ़ सके। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 5 की तरफ। एनिमेशन और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर के CPU और GPU और RAM को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते रहते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। अगर आप इन हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनिमेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इन सर्विसेज को आप बंद करके रखें, ताकि यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला रिसोर्स आप बचा सकें और जहाँ पे आपको डेली वर्क के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आप वहाँ पे कंप्यूटर उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 6 की तरफ।
आप सर्च इंडेक्सिंग सर्विस को डिसेबल करके रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम इस सर्विसेज का बहुत कम या फिर कोई उपयोग नहीं करते हैं। सर्च इंडेक्सिंग सर्विस के ज़रिए आप कोई भी फाइल्स फोल्डर सिस्टम में सर्च करते हैं, लेकिन अगर आप कोई फाइल्स फोल्डर सिस्टम में सर्च नहीं भी कर रहे हैं तब भी एक्टिवली ये एप्लीकेशन, ये सर्विस बैकग्राउंड में चल रही होती है, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा रिसोर्स वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होता है। अगर आप इस सर्विस को डिसेबल कर देते हैं, फॉर श्योर डेफिनेटली आपका वो रिसोर्स फ्री हो जाता है और आप रनिंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस पे इन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 7 की तरफ। समय समय पे रेगुलर बेसिस पे आप अपने कंप्यूटर का डिस्क क्लीनअप करते रहिए। इस प्रोसेस के ज़रिए आपका कंप्यूटर पुराने जंक फाइल्स, टेम्प्रेरी फाइल्स, कुकीज़ को डिलीट करता रहता है, क्लीन करता रहता है, जिससे कि आपके कंप्यूटर का रिसोर्सेस जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क रेडी टू अवेलेबल होते हैं, फ्री हो जाते हैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी आप रन कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 8 की तरफ। जब भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल्स कॉपी पेस्ट या डिलीट होता है, तब उस समय आपके फाइल्स कई वजहों से फ्रैगमेंट वे में या बिखरे हुए तौर पे स्टोर हो जाते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। आपको समय समय पे डिस्क डिफ्रैगमेंट प्रोसेस चलाते रहना है, जिससे कि आपके कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो जाए और आपके फाइल्स का रीड राइट एक्सेस का टाइम भी कम हो जाए। साथ ही साथ आपका फाइल्स के करप्शन या डाटा लॉसेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 9 की तरफ। अगर आपका कंप्यूटर अचानक से स्लो हो जा रहा है या फिर माल फंक्शन कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक हुआ है। आपको आपके कंप्यूटर का एंटीवायरस अपडेट करके उसे फुल स्कैन करना है और वायरसेस को क्लीन करने हैं। वायरस आपके कंप्यूटर के रिसोर्स को होल्ड करके रखते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जिससे कि आपके रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स को चलाने में आपको परेशानी होती है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो इसीलिए आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कीजिए और उसको अपडेट करके समय समय पे स्कैन करते रहिए। अब हम आ चुके हैं हमारे सॉफ्टवेयर लेवल के आखिरी टिप नंबर 10 की तरफ। अगर पहले के बताए हुए कोई भी टिप्स या सारे टिप्स को फॉलो करके भी आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पा रहा है और कंप्यूटर स्लो चल रहा है अभी भी, तो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को फैक्ट्री रिस्टोर या फिर फॉर्मेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्ट्री या फिर सिस्टम फाइल्स में एरर रह जाते हैं। आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट या फैक्ट्री रिस्टोर करने से पहले अपने प्रीसियस डाटा को बैकअप लेना मत भूलें। रेगुलर बेसिस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल गीगर प्रहलाद को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे हार्डवेयर लेवल के टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आपके सिस्टम का रैम कम है तो आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स या फिर बड़े प्रोग्राम्स चलाने में कठिनाई हो सकती है, आपको आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो मिलेगा। इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर का रैम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो रैम का रिसोर्स है वो आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स या नए प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हो सके और वो सही से चल सके। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे हार्डवेयर के टिप नंबर 2 की तरफ। आज के टाइम पे हार्डवेयर में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अपग्रेडेशन कोई है तो वो है हार्ड डिस्क। जी हाँ, हार्ड डिस्क को अपग्रेड करके या चेंज करके आप अगर SSD इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में, तो आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस 10 times फास्ट हो जाता है, 10 times बेटर हो जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में जैसे मूविंग पार्ट्स होते हैं वैसे SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ SSD का रीड राइट एक्सेस स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा है।
तो आप अपने हार्ड डिस्क को अपग्रेड करके SSD इंस्टॉल कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे हार्डवेयर लेवल के टिप नंबर 3 की तरफ। आप अपने कंप्यूटर के CPU और GPU के प्रोसेसर को ओवरक्लॉकिंग करके भी अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर के ओवरक्लॉकिंग करने से आपके कंप्यूटर का पर सेकेंड इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कई बार नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग के प्रोसेस में CPU बहुत सारे हीट जनरेट करता है और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ऐसे सिचुएशन में आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर अनरेस्पॉन्सिव हो सकता है या फिर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसीलिए अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर के मैनुअल्स को पढ़ लें या फिर अपने किसी नज़दीकी कंप्यूटर प्रोफेशनल का हेल्प लें। तो हम बढ़ते हैं हमारे हार्डवेयर लेवल के टिप नंबर 4 की तरफ। एक बेहतर कूलिंग आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। जी हाँ, जैसा कि हमको पता है कि कंप्यूटर बहुत सारे चिप्स से मिलकर बना है, जिसमें कि प्रोसेसर भी एक बहुत बड़ा चिप है, वो सारे मिलके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का कूलिंग प्रॉपर रहे तो ये हैंग नहीं करते हैं, अनरेस्पॉन्सिव नहीं बनते हैं। इसीलिए आप अपने कंप्यूटर के ओपनिंग्स का ख्याल रखें ताकि उसमें से एयर सर्कुलेशन बराबर होता रहे और आपको सही परफॉर्मेंस कंप्यूटर का मिलता रहे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे हार्डवेयर लेवल के लास्ट टिप नंबर 5 के तरफ। आप अपने कंप्यूटर को फिजिकली क्लीन करते रहें समय समय पे, क्योंकि उसके ओपनिंग्स या पोर्ट्स पे अगर कचरा जमा हो जाए और उससे अगर हीट बाहर रिलीज ना हो या फिर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से ना हो, तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि ओवरहीट होने से आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस गिर जाता है, वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने कंप्यूटर को समय समय पे क्लीन करते रहें और अगर हो सके तो किसी आपके नज़दीकी कंप्यूटर प्रोफेशनल का भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि इन आसान सॉफ्टवेयर लेवल और हार्डवेयर लेवल के टिप्स को यूज़ करके फॉलो करके आप कैसे अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको सॉल्यूशन बता सकूं। साथ ही साथ आप अपने नज़दीकी किसी कंप्यूटर प्रोफेशनल का भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपके सुविधा के लिए और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे एंटीवायरस, रैम और SSD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप इनको यूज़ करें और अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।